हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप रैडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पार्टी ग्रुप वाइज को कैसे व्यू कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, मल्टी कंपनी, आउटस्टैंडिंग, पार्टी ग्रुप वाइज पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट क्राइटेरिया फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। व्यू, यहाँ पे हमें जिस तरह से रिपोर्ट निकालनी हो वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट कंपनीज, यहाँ पे F4 बटन पे क्लिक करके लिस्ट में से जिन कंपनीज की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को व्यू करना हो उन्हें टिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी ग्रुप, अगर रिपोर्ट में कंपनी के ग्रुप का एड्रेस प्रिंट करना हो तो इस ऑप्शन को टिक कर देना है। नेक्स्ट टाइप, यहाँ पे डेटर्स या क्रेडिटर्स जिसकी रिपोर्ट व्यू करनी हो वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ग्रुप, अगर सभी जनरल लेजर ग्रुप्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अदरवाइज कोई पर्टिकुलर जीएल ग्रुप के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके जीएल ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बिल पीरियड, जिस डेट से लेके जिस डेट तक के इनवॉइसेस की रिपोर्ट देखनी हो वो डेट्स यहाँ एंटर कर देनी है। नेक्स्ट पेमेंट डेट, यहाँ जिस डेट से लेके जिस डेट तक के पेमेंट्स की रिपोर्ट व्यू करनी हो वो डेट यहाँ सेट कर देनी है। नेक्स्ट इनवॉइसेस, यहाँ पर अगर सभी इनवॉइसेस की रिपोर्ट चाहिए हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पार्ट पेंडिंग, अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे इनवॉइसेस की रिपोर्ट आएगी जो पार्ट पेंडिंग हो, यानी कि उन इनवॉइसेस के सामने कुछ रिसीव किया हो। नेक्स्ट फुल पेंडिंग, अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे इनवॉइसेस की रिपोर्ट आएगी जो फुल पेंडिंग हो, यानी कि उनके सामने कुछ रिसीव ना किया हो। नेक्स्ट ऑल पेंडिंग, अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो पार्ट पेंडिंग और फुल पेंडिंग दोनों ही इनवॉइसेस की रिपोर्ट आएगी। नेक्स्ट क्लियर, अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ ऐसे इनवॉइसेस की रिपोर्ट आएगी जो क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट डे बुक, अगर सभी डे बुक्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अदरवाइज कोई पर्टिकुलर डे बुक के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके डे बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्टी, अगर सभी पार्टीज की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अदरवाइज कोई पर्टिकुलर पार्टी के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बिल टर्म्स, अगर सभी बिल टर्म्स की रिपोर्ट देखनी हो तो यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करके F4 की को प्रेस करके लिस्ट में से बिल टर्म्स को टिक करके सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑप्शन 2 पे क्लिक करेंगे, ब्रोकर ऑप्शंस। अगर ऐसे इन्वॉइसेस जिनमें ब्रोकर नहीं है वो व्यू करने हो तो ओनली ब्लैंक ब्रोकर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर सिर्फ ऐसे इन्वॉइसेस व्यू करने हो जिनमें ब्रोकर है तो एक्सक्लूड ब्लैंक ब्रोकर ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज बोथ ऑप्शन को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट पार्टी ग्रुप, अगर सभी पार्टी ग्रुप्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अदरवाइज कोई पर्टिकुलर पार्टी ग्रुप के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके पार्टी ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिटी, अगर सभी सिटीज की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज कोई पर्टिकुलर सिटी के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट जेवी अकाउंट, अगर सभी जेवी अकाउंट्स की रिपोर्ट देखनी हो तो यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करके F4 की प्रेस करके लिस्ट में से अकाउंट्स को टिक करके सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट अनएडजस्टेड, अगर अनएडजस्टेड इनवॉइसेस भी व्यू करने हो रिपोर्ट में तो यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डिटेल्स, अगर ऐसे इनवॉइसेस जिनको उनके पेमेंट या रिसिप्ट के सामने एडजस्ट कर दिया है वो डिटेल्स रिपोर्ट में व्यू करनी हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट ओनली ड्यू बिल्स, अगर सिर्फ ड्यू इनवॉइसेस ही रिपोर्ट में व्यू करने हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट ड्यू ऑन डेट, यहाँ जिस डेट तक के ड्यू बिल्स की रिपोर्ट व्यू करनी हो वो डेट यहाँ सेट कर देनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑप्शन 3 पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बिल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अगर कोई पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बिल देखने हो तो यहाँ पे इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंटर कर देना है। अदरवाइज सभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स के लिए ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पार्टी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अगर कोई पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग अमाउंट के पार्टी के रिपोर्ट देखने हो तो यहाँ पे इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट को एंटर कर देना है। अदरवाइज सभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स के लिए ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट इन्वेंट्री, अगर रिपोर्ट में इन्वेंट्री डिटेल्स व्यू करनी हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट प्रिंट डेट एंड टाइम, आप जिस डेट और टाइम पे रिपोर्ट निकाल रहे हैं वो डेट और टाइम अगर आपको रिपोर्ट में प्रिंट करनी हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट सेम पेज, अगर रिपोर्ट में सभी एंट्रीज को सेम पेज पे व्यू करना हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे फोर एड्रेस एंड लेटर टैब पे क्लिक करेंगे। पार्टी एड्रेस, अगर आपको रिपोर्ट में पार्टी का एड्रेस व्यू करना हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। पार्टी फोन, अगर रिपोर्ट में पार्टी का फोन नंबर व्यू करना हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइव इंटरेस्ट टैब पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रिपोर्ट में व्यू करना हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देना है। नेक्स्ट इंटरेस्ट अप टू डेट, जिस डेट तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो वो डेट यहाँ डाल देनी है।
नेक्स्ट डेज फॉर कैलकुलेशन, जितने दिन तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो वो डेज यहाँ एंटर कर देने हैं। नेक्स्ट प्रिंट नेगेटिव इंटरेस्ट, रिपोर्ट में नेगेटिव इंटरेस्ट प्रिंट करना हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे 6 कलर एंड एजिंग टैब पे क्लिक करेंगे विद एजिंग, अगर रिपोर्ट में एजिंग व्यू करनी हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट स्लैब 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 स्लैब्स हैं 30, 60, 90 और 120 आउटस्टैंडिंग डेज के। आपको रिपोर्ट में जितने स्लैब्स व्यू करने हो उन्हें यहाँ पे टिक करके सिलेक्ट कर लेना है। सभी डिटेल्स को सेट करने के बाद अगर हमें ये सभी क्राइटेरिया को सेव करना हो तो यहाँ सेव क्राइटेरिया पे टिक कर देना है, जिससे नेक्स्ट टाइम हम जब भी रिपोर्ट देखेंगे तो ये क्राइटेरिया एज इट इज सिलेक्टेड रहेगा, जैसे अभी सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे शो बटन पे क्लिक कर देंगे, रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आ चुकी है। यहाँ पे अगर हमें रिपोर्ट में कॉलम्स को ऐड या लेस करना हो तो यहाँ कस्टमाइज बटन पे क्लिक कर देना है। रिपोर्ट को कस्टमाइज कैसे करें उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप वो रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें रिपोर्ट को प्रिंट करना हो तो यहाँ प्रिंट आइकन पे क्लिक कर देना है, रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से हम रैडिक्स में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पार्टी ग्रुप वाइज को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।